हरे कृष्णा, बरसाना धाम की जय। हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए कि हम लोग बरसाना धाम में जा रहे हैं। केवल राधा रानी की कृपा से ही कोई व्रज में जा पाता है, और व्रज के अंदर भी बरसाना तो उनका अपना घर ही है। बहुत साल पहले जब कृष्ण गोकुल में थे और राधा रानी रावल में थी, तब उस वक्त राक्षसों की और परेशानी से कंस द्वारा भेजे गए दैत्यों की डर से कृष्ण की रक्षा के लिए नंद बाबा कृष्ण को गोकुल में ले आए। और उसी समय वृषभानु, जो कि राधा रानी के पिता हैं, राधा रानी को रावल से बरसाना ले आए। तो बरसाना का नाम उस वहीं से पड़ा। तो बरसाना वृषभानुपुर था, वृषभानु से धीरे धीरे वहाँ वर्षाना हो गया। ये दोनों वृषभानु और नंद बाबा बहुत ही इनके पास धन संपत्ति बहुत थी, क्योंकि इनके पास लाखों गायें थीं। तो ये भी साबित करता है कि इस प्रकार कृषि से और गौ रक्षा से, गौ पालन से व्यक्ति संपन्न हो सकता है। आज देख सकते हैं इनकी संपन्नता को, हाँ, नंदग्राम में और बरसाना में इतने बड़े, इतने ऑपुलेंट इनके महल हैं। हाँ, हम देखते हैं 84 खंबा नंद बाबा का गोकुल में और नंदग्राम में, और उसके बाद ख़ास तौर पर वृषभानु द्वारा बनाया गया लाडली लाल मंदिर। सो लाडली जी राधा रानी को बोला जाता है बरसाना में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना यूथ का समय बिताया, तो उन्हें लाडली के नाम से पुकारा जाता है। सो उनके नाम से जो श्रीजी मंदिर है, श्रीजी मंदिर उसका एक और नाम है, एकदम चोटी पर है, तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है। वहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हैं। सो जो बरसाना है, इसकी खासियत ये है कि आज भी ये बहुत ही एंशियंट, हाँ, बहुत ही पुराना लगता है और एकदम से धाम की लुक देता है। आज भी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ने टच नहीं किया है, ने इसको ख़राब नहीं किया है। आज भी यहाँ पर आप जंगल और गांव देख सकते हो। आप देखेंगे जगहों में, एक जगह से दूसरी जगहों में जाने पहाड़ी रास्ते आएंगे और ग्रामीण क्षेत्र आएंगे, हाँ, तो इस तरह की ये जगह है। तो बहुत ही सुंदर है वहाँ, वहाँ के दर्शन बहुत ही अद्भुत हैं। ये इतनी अद्भुत जगह है कि यहाँ पर आने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी लालायित थे। ऐसा कहते हैं कि ब्रज में आने के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी लालायित रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए नंदग्राम में नंदेश्वर पर्वत के रूप में शिव जी विद्यमान हैं, और नंद यहाँ बरसाना में ब्रह्मा जी स्वयं, हाँ, विराजमान हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी से जो अपराध हुआ था, उसके जो उन्होंने भगवान के साथ लीला करी थी, उनके काउहर्ड बॉयज़ को, गोप सखाओं को चुरा कर, तो उसके बदले में भी उन्होंने यही मांगा था कि मैं व्रज में, हाँ, व्रज की धूल मेरे सर पर पड़े। तो आज वो ब्रह्मा पर्वत के नाम से वर्षाणा में हैं, और उनके चार मुख हैं, तो चार मुख्य शिखर उसके ऊपर देखे जा सकते हैं। तो उन चार मुख्य शिखरों पे आज की डेट में चार मुख्य मंदिर हैं, विलासगढ़, दानगढ़, मयूर कुटीर, और एक पे जहाँ पर हम लोग श्री जी का मंदिर देखेंगे। तो ये चार मुख्य शिखर हैं जहाँ पर ये चार सुंदर जगहें हैं, चार मुख्य लीला स्थली हैं। वर्षाणा वो जगह है जहाँ से राधा रानी रोज़ निकलती थी भगवान से मिलने के लिए। अपनी शादी से पहले, अभिमन्यु शादी से पहले वो इस जगह में रहीं, और यहीं से लीला के लिए रोज़ निकलती थी। अलग 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 प्रकार से, झूठ बोल के या कैसे भी, राधा रानी का प्यार जो है भगवान के लिए अनन्य प्यार है। एक्चुअली में ये बिल्कुल अपेक्षा के, औपचारिक अपेक्षा के से रहित है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है भगवान से, हाँ, तो इसीलिए इसको परकीय रस कहा जाता है। वो अपने प्राण से, धन से, मन से, सब तरह से केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहती है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। इसलिए वे हैं भगवान की अलादिनी शक्ति या आनंदिनी शक्ति, जिससे भगवान कभी कभी भी अलग नहीं होते हैं। और हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में खास तौर पर राधा रानी का विशेष महत्व है, क्योंकि हम लोग राधा रानी के ही सर्वेंट हैं। श्रील प्रभुपाद राधा रानी के सर्वेंट थे, हम लोग भी मंजरियों के दास बनने की प्रयास करते हैं। रूप मंजरी हमारी प्रमुख मंजरी मानी जाती है, रूपानुग। हम लोगों का श्लोक भी है कि गोफिर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, तो गोपियों के ही हम दास बनना चाहते हैं, और राधा रानी प्रमुख गोपी हैं जो भगवान को सबसे प्रिय हैं, और ये उनका ही अपना घर है। तो वृंदावन की वनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदा में वनेश्वरी, तो राधा रानी वृंदावन की
रानी हैं और आज हम उन्हीं के घर में जा रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ पर अनेक लीला हुई, तो मैं बता रहा था आपको किस प्रकार ब्रह्मा पर्वत है, नंदेश्वर पर्वत है और स्वयं नारायण पर्वत है। तो आप एक जगह पर देखेंगे, सांखरी खोर की एक जगह है जहाँ पर ब्रह्म पर्वत ऐसे आ रहे होंगे और नारायण पर्वत ऐसे, और दोनों के बीच की पतली सी जगह से निकलने का रास्ता है जहाँ पर भगवान ने सुंदर लीला भी करी। तो वो वहाँ पर हम नारायण पर्वत और ब्रह्म पर्वत को एक साथ देख सकते हैं। तो इस वर्षाणे धाम में हम जब जा रहे हैं तो हमें कैसा भाव रखना चाहिए? हाँ, राधा रानी से केवल हमें यही कृपा मांगना चाहिए, क्या कि गोपिर भरतुर पद कमलेवर, कैसे मैं दास के दास का दास बन पाऊँ। अल्टीमेटली राधा रानी के सर्वेंट्स हैं हमारे सारे आचार्य, हमारे गोस्वामी, और उन गोस्वामियों के दास के दास का दास हम बन पाए। हम्बली, हाँ, बड़ी शालीनता से, बड़ी हम्बल एटीट्यूड से हम लोग भगवान की और राधा रानी की सेवा में लग पाए। ऐसी हम भगवान हम राधा रानी से कृपा मांगते हैं वर्षाणा धाम में जाने से पहले। ठीक है, तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। हम वहाँ के कुछ लीला स्थलियों के बारे में आपको जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।